बिहार से पूरे देश की राजनीति को हिलाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जिसे लेकर पूरे देश में राजनीतिक भूकंप ने जन्म ले लिया है, क्योंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। जी हां, बिहार में गठबंधन की सरकार टूट गई है और अब बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि सीएम नीतीश कुमार शाम 4 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिसके साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं इसे लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने हमें हमेशा अपमानित करने का काम किया है, बीजेपी ने हमारे खिलाफ साजिश की और जेडीयू को समाप्त करने की कोशिश की, चुनाव के पहले से जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की गई। वहीं गठबंधन टूटने के अनौपचारिक ऐलान के पहले ही बीजेपी जेडीयू में बयानबाजी शुरू हो गई है और दोनों पार्टियां खुलकर एक दूसरे को आड़े हाथों ले रही हैं। नीतीश कुमार ने विधायकों और सांसदों की बैठक में कहा कि बीजेपी ने हमें तोड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा, जब नशा मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वहीं इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी एक युद्ध सा छिड़ गया है और लोग जमकर भाजपा को कोसने में लग गए हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा के जिन नेताओं ने जदयू के विधायकों को घूस में 6-6 करोड़ रुपए देने की पेशकश की, उन सभी भाजपाई नेताओं पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस पंजीकृत कर गिरफ्तार किया जाए और अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए। वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि नीतीश कुमार को कोई दिलचस्पी नहीं है बिहार को सुधारने में, उन्हें बस हर हालात में कुर्सी को पकड़े रहना आता है। इतने वर्षों के बाद भी बिहार का हाल पहले जैसे ही बेहाल है। एक और ट्विटर यूजर ने अपनी राय साझा करते हुए लिखा कि अब इससे ज्यादा और क्या सत्य चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग से सरकार बनती है, चाणक्य तो फर्जी बोल देते हैं। जब जेडीयू आरजेडी गठबंधन टूटा था उस समय नीतीश कुमार पर कुबेर जी मेहरबान जरूर हुए होंगे। वहीं एक और यूजर ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ा, फिर भी सिर्फ 45 सीट जीती, फिर भी भाजपा ने जिसने 78 सीट जीती, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और वही नीतीश अब तेजस्वी का गठबंधन, जिसने गंदी से गंदी गालियां दी उसके साथ गठबंधन कर लिया, नीतीश कुमार दोगला पलटू राम है। इस खबर में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।